गाइस मैं जा रहा हूँ सिद्धपीठ माँ नैना देवी मंदिर में। तो ये आपका भुजिया घाट से ही पड़ता है दोस्तों, मतलब भुजिया घाट में ही पड़ता है। तो मैं आपको एक प्रकार से नज़ारा दिखाता हूँ, ये कहाँ पर है दोस्तों मंदिर वगैरह। नोड में ही बोर्ड लगा है मंदिर का जो सिद्धपीठ नैना देवी का है। और यहाँ पर से आप नज़ारा देखोगे, ये जो है मेन रोड है और इस साइड से भी मेन रोड है दोस्तों। तो यहाँ पर से कारें वगैरह आ रही है और यहाँ पर से देखोगे आप तो यहाँ से पहाड़ों का दर्शन वगैरह आएगा। और यहाँ पर से मेन रोड है दोस्तों और इस साइड से भी आपको ने देख लिया था मेन रोड है। बाकी हम चलते हैं आगे अब मंदिर में जो 50 मीटर आगे है। तो अब मेरे साथ दोस्तों आगे बढ़ सकते हैं। और यह है माँ दरबार का रास्ता, तो ये है काफ़ी सुंदर। तो अब यहाँ से ऊपर को बढ़ना है हमें। तो आप यदि आप पहली बार आते हो तो मेन ये बोर्ड मेन रोड में ही लगा है। तो आप देख सकते हो नज़ारा, अभी ये हल्का सा पहाड़ में जा रहा है रोड, तो रास्ता भी काफ़ी ठीक है दोस्तों, मतलब ज़्यादा दिक्कत का रास्ता नहीं है, अच्छा रास्ता है और काफ़ी सुंदर है पहाड़ों में दोस्तों। और पहाड़ों में घूमने का नज़ारा तो अलग ही होता है दोस्तों। यदि आप पहली बार पहाड़ आना चाहते हो, पहाड़ घूमना चाहते हो, तो उसका नज़ारा आप देख सकते हो, काफ़ी सुंदर है। और ये दोस्तों मैं जब आ रहा था तो मुझे मतलब रास्ते में दिख गया मंदिर, तो मैंने कहा कि क्या बोलते हैं एक बार हमें जाना चाहिए कि कैसा मंदिर है और किस प्रकार से इसका नज़ारा है। तो काफ़ी सुंदर है, सीढ़ियाँ भी अच्छी है और ज़्यादा दिक्कत का भी नहीं है रास्ता। और मेन चीज़ है कि ये मेन रोड में ही है। यदि आप ऐसे ही मंदिर घूमना चाहते हैं तो आ सकते हैं दोस्तों, और काफ़ी अच्छा मंदिर है ये। तो मैं आपको ला गया मंदिर में, तो मंदिर के दर्शन कर सकते हो आप लोग। अभी तो मैं जूते यहीं पे उतार ले देता हूँ, तो मैंने जूते उतार दिए हैं। और ये मंदिर का फ्रंट है और ये है नज़ारा मंदिर का जो काफ़ी सुंदर है और अच्छा मंदिर है दोस्तों। बाकी मैं पहले दिखा देता हूँ मंदिर के दर्शन करा देता हूँ आपको। और अब यह है इसका, यह दोस्तों मंदिर काफ़ी सुंदर है। तो आप दर्शन कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा है और सुंदर है दोस्तों। और यहाँ पर एक क्या है, ये तो खैर फल है। चलो अब दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, तो ये ताकि बंदर अंदर ना जाए। तो मैंने ये यहाँ से दरवाज़ा बंद कर दिया। और ये देख सकते हो आप नज़ारा मंदिर का, सिद्धपीठ नैना देवी मंदिर। तो ये एक काफ़ी सुंदर हनुमान जी की मूर्ति है, वो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है, ये काफ़ी सुंदर लोकेशन पर है और शांत है। यदि आप फ़ोटो वगैरह खींचना चाहते हो तो यहाँ पर मेन चीज़ है कि आप फ़ोटो भी खींच सकते हो। फ़ोटो खींचने के लिए यहाँ पर काफ़ी सुंदर नज़ारा है और काफ़ी अच्छा मंदिर है दोस्तों। बाकी थोड़ा सा आपको मैं आगे ले चलता हूँ, तो अब हम यहाँ से आगे को बढ़ेंगे। तो ये लोकेशन है इसकी, अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से नज़ारा देखते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो मंदिर के। बस थोड़ा हो गया, हमने अब काफ़ी घूम लिया आज के दिन में और मैंने आपको काफ़ी जगह घुमा दिया। इसकी लोकेशन वगैरह और तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये भुजिया घाट से हल्का सा नीचे पड़ता है दोस्तों, 500 मीटर नीचे आपका। और ये मेन रोड पर ही है मंदिर। यदि आपको भी मंदिर आना चाहते हो तो ये घूम सकते हो। और यहाँ से आपको मेन रोड दिख रही होगी, तो दोस्तों ये सामने मेन रोड है,
तो आपको मेन रोड भी देख सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से आपको मेन रोड भी साफ दिखेगी और अच्छी दिखेगी। तो इस प्रकार से सुंदर सा मंदिर है। अब मैंने आपको सिद्धपीठ नैना देवी मंदिर के दर्शन भी करा दिए, जो काफ़ी सुंदर है और अच्छा है। और ये आपका है मेन भुजा घाट में ही है, तो आप इसको लगा लो कि ये मेन भुजा घाट में ही है। और लोकेशन वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसी वीडियो में। यदि आप पहली बार आना चाहते हो, इस मंदिर को घूमना चाहते हो और देखना चाहते हो तो दोस्तों तो देख सकते हो। और लोकेशन मैं आपको बताई दे दी, मैंने आपको पूरी वीडियो दिखा दी है। और लोकेशन होगा तो मैं लोकेशन भी डाल दूंगा इसमें, तो काफ़ी सुंदर है। तो आप आओ कभी भी, अच्छी लोकेशन है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कोई रोक टोक है, कोई भी आ सकता है और कभी भी आ सकता है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नया ब्लॉग भी बनाएंगे, तो नए ब्लॉग के लिए भी मैंने कुछ ना कुछ सोचा है। तो आज के लिए तो काफ़ी, खैर इतना ही है।